पाकिस्तान के एक मंत्री ने विवादित बयान दिया है। ये धमकी दी है कि कश्मीर के मुद्दे पर जो भी देश भारत का साथ देगा उस पर पाकिस्तान मिसाइल से हमला कर देगा। इस पाकिस्तानी मंत्री का बयान पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। कौन है ये मंत्री, कैसे इसने अमेरिका, सऊदी अरब, इजराइल और कई सारे देशों को धमकी दी, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी मंत्री ने भारत के साथ साथ और भी देशों को मिसाइल हमलों की धमकी दी है। पाकिस्तान में एक रैली को संबोधित करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि भारत अगर कश्मीर मसले पर अपने रुख से पीछे नहीं हटता है तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। एक मिसाइल भारत की तरफ जाएगी और जो उसका साथ देने की कोशिश करेगा दूसरी मिसाइल उस देश पर भी दाग दी जाएगी। भारत के साथ है, हम ये सुन ले कि कल को अगर भारत के साथ हमारी कशीदगी उस हद तक गई कि हम जंग पे मजबूर हो गए क्योंकि दुनिया इसका मुदाखलत नहीं कर रही इस मसले के ऊपर, तो फिर वो समझ गए इस बात को कि अगर वो भारत के साथ है तो फिर एक मिसाइल भारत पे जाएगा, एक मिसाइल उस पर भी जाएगा, वो तैयार रहे इस चीज के लिए। इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के लिए अलग से एक मंत्रालय का गठन किया हुआ है और इसके प्रभारी के तौर पर अली अमीन गंडापुर को नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाने के बाद पाकिस्तान के मंत्री आए दिन इस तरह के विवादित बयान देते रहते हैं। अली अमीन का यह बयान ऐसे समय में आया जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर हैं। बता दें कि पाकिस्तान का प्रमुख सहयोगी माने जाने वाले सऊदी अरब क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त बनाने के लिए भारत के अभियान में उसका पक्ष ले रहा है। सोमवार को अमीन लाहौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी सभा में कश्मीर का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि अगर भारत के साथ तनाव इसी तरह जारी रहता है तो इससे दोनों मुल्कों के बीच जंग का खतरा होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की तरफ से भड़काऊ कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान चुप नहीं बैठने वाला। अली अमीन ने कहा कि कोई देश जो कश्मीर मामले पर भारत के साथ है वे पाकिस्तान के दुश्मन होंगे और उस देश पर भी मिसाइल दागी जाएगी। गंडापुर का यह बयान वायरल हो गया और लोग यह कहकर इसकी आलोचना कर रहे हैं कि यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है। उम्मीद यही की जानी चाहिए कि अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई, फ्रांस और रूस जैसे देश पाकिस्तान के इस बेलगाम मंत्री के बयान का नोटिस लिया होगा। वैसे तो पाकिस्तान के पीएम इमरान खान पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री के तेवर देखकर ऐसा लगता है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।